रेहोबोत स्कूल ऑफ प्रॉफिट से आप सबको प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो हमारा विषय है वो हमारे सामने जो घटनाएं आज संसार में हैं और जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरस के बारे में, तो मैं कुछ सोच रहा था कि ये क्या प्रभु की इसमें क्या योजना है और प्रभु हमसे क्या चाहता है। तो उन्हीं विचारों को लेते हुए मैंने कुछ संदेश तैयार किया है। तो पहले पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 13 और 14 है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यानी हमें पता चलता है कि परमेश्वर मरी भेज सकता है। ये मरी का इंग्लिश वर्ड है पेस्टिलेंस, या सिंपलर इंग्लिश में इसको कहते हैं डेडली डिजीज, ऐसी बीमारी जो घातक होती है, जो मार देती है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में इस प्रकार से कहा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। अब जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है ऑथराइज्ड वर्जन से, उसमें इस प्रकार से है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरियां फैलेगी और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और ये प्रभु यीशु मसीह ने तब बताया जब चेलों ने पूछा, प्रभु तेरे आने का समय कब होगा और तेरा राज्य कब स्थापित होगा, ये बातें कब पूरी होगी, क्या चिन्ह होंगे। तो तब उसमें से एक चिन्ह हम देखते हैं, प्रभु ने कहा मरी फैलेगी। ऐसा भी था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दंड देने के लिए भी मरी भेजी। इज़राइल के इतिहास में उनके बलवाखोर पाप में एटीट्यूड के कारण, स्वभाव के कारण, देखिए व्यवस्था में लिखा था कि जब भी इज़राइल के लोगों की गिनती की जाए, 20 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों की गिनती की जाए, तो हर प्राण के लिए यानी हर व्यक्ति के लिए 0.5 शेकेल चांदी का सिक्का या टुकड़ा मंदिर के खजाने के लिए दिया जाता था। वो चांदी का सिक्का कीमत को दिखाता है, ये दिखाता है कि हर प्राण की कीमत है, और दूसरा हर प्राण कीमत के द्वारा ही छुड़ाया जा सकता है। इंग्लिश में भजन संहिता में एक वचन है, फॉर द रिडेम्पशन ऑफ देयर सोल इज प्रेशियस, उनके प्राणों की छुड़ौती कीमती है ना। और ये व्यवस्था के अकॉर्डिंग था, यह हमें एक सच्चाई भी प्रकट करता है कि हमारे प्राणों को छुड़ाने के लिए, हमें पापों के सजा से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। खैर, तो हम देखते हैं कि इस आज्ञा को दाऊद ने एक बार नहीं माना। ऐसा लगता है कि दाऊद के मन में शैतान ने उसको उकसाया और उसके मन में घमंड आ गया कि मैं लोगों की गिनती करूं, तो इसलिए वो योआब को आज्ञा देता है कि दान से लेकर बीरशीबा तक सब लोगों की गिनती कर। योआब विरोध भी करता है कि ऐसा क्यों करता है,
तेरा यहोवा परमेश्वर हमें आकाश के तारों की तरह अनगिनत बना दे। क्यों ऐसी गिनती करता है? लेकिन दाऊद ने बिना आज्ञा माने, यानी हर व्यक्ति के लिए एक आधा चांदी सॉरी माफ करना आधा शेकेल चांदी का सिक्का दिए बिना उसने गिनती करवाई। जैसे आम लोगों में गिनती होती है आम देशों में, उसने वैसे गिनती कराई। इसराइल में ऐसा प्रभु ने मना किया था, और जब दाऊद ने ऐसे किया तो प्रभु क्रोधित हुआ, और ये आप सारी बातें दूसरा सैमुएल 24 अध्याय में देख सकते हैं। तो प्रभु ने अपने दास गाद को, भविष्यद्वक्ता था, दाऊद के पास भेजा, और लिखा है बिहान को जब दाऊद उठा 11 आयत से, तब यहोवा के वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैले रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। तब यहोवा इसराइलियों में बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बिरशबा तक रहने वाले प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। तो बहुत भारी मरी फैली और 70,000 इसराइली पुरुष मारे गए। लेकिन फिर इस ये मरी कैसे रुकी? 17 आयत में पढ़ते हैं, तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। दाऊद ने अपनी गलती एहसास करके पश्चाताप किया, और सिर्फ पश्चाताप ही नहीं किया, लेकिन उसने उसके बाद एक वेदी बनाकर बलिदान उस पर अर्पित किए। 25 आयत में लिखा है, और दाऊद ने यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त बिनती सुन ली, तब वह व्याधि इज़राइल पर से दूर हो गई। जिस स्थान पर दाऊद ने वो वेदी बनाई, वो एक व्यक्ति था अरौना जो यबूसी था, उसका खलियान था, और दाऊद कीमत देकर उस खलियान को खरीदता है और वहां पर वेदी बनाकर उस पर बलिदान अर्पित करता है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हो ही नहीं सकती। हमें भी पापों की क्षमा क्यों प्राप्त हुई है? क्योंकि क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया और हमने उस पर विश्वास किया। तो यही स्थान था अरौना का खलियान, ये मोरिया पर्वत पर था, और यहीं पर इब्राहिम ने इसाक को वध करने के लिए या होम बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाई थी, और ये वही स्थान है जहां पर सुलेमान ने बाद में एक सुंदर और महिमित यहोवा के लिए मंदिर बनाया। तो हम देखते हैं कि वो मरी कैसे दूर हुई, सच्चे पश्चाताप के द्वारा और उस बलिदान को अर्पण करने के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पाप दूर हो सकता है, और पाप के कारण जो श्राप है वो दूर हो सकता है। हम एक और घटना पढ़ते हैं, ये गिनती 25 अध्याय 1-3 आयत में है। इज़राइली शितिम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे,
और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उन देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इज़राइली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा। 6 आयत से, और जब इज़राइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इज़राइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर इलियाजर का पुत्र पिनिहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इज़राइली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेज दी। इस पर इज़राइलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तो यहां पर प्रभु के लोग मिद्यानी स्त्रियों के साथ कुकर्म करने लगे, उनके पूजाओं में भाग लेने लगे और प्रभु का क्रोध भड़क गया। और तब हम देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जो ढीठ था, सबके सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने तंबू में लाता है और तब फिनियास उस बर्छी लेकर उन दोनों को खत्म करता है और तब वो मरी रुक जाती है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि मरी तब रुकी जब वो पाप को दूर किया गया। द प्लेग स्टॉप्ड व्हेन द सिन वॉज फॉरसेकन। नीति वचन 28:13 इस पर मुझे याद आया था, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको यानी अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो इन दोनों घटनाओं को, दाऊद की घटना और फिनियास की घटना को अगर हम मिला के देखें तो ये मरी कैसे रुकी, पश्चाताप के साथ, बलिदान के कारण और तीसरा उस पाप को त्यागने से। और जैसे मैंने पहले बताया कि केवल प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है जो पाप को दूर कर सकता है, केवल उसका लहू है जो सबसे घिनौने पाप को भी धोकर उस व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो यीशु मसीह का खून क्षमा नहीं कर सकता, धो नहीं सकता, है ना। उसका बलिदान इतना महान और संपूर्ण है, कंप्लीट है। दूसरा, आज हम दिन में कई बार सुनते हैं, फोन पे सुनते हैं कि अपने हाथ धोया करो, है ना, बार बार अपने हाथ धो, गर्म पानी से धो, 20 सेकंड के लिए धो, और हाथों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये शायद एक परमेश्वर दुनिया को कह रहा है कि तुम अपने हाथ धो, और ये बात सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में गूंजी जा रही है, अपने हाथ धो। और निश्चित रूप से प्रभु कोई, जब मैं आत्मिक अर्थ बता रहा हूं, प्रभु कोई पानी से हाथ धोने की बात नहीं कर रहा है, वो इस समय हमें धोने, इसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हाथ धोना अच्छा है, हाइजीनिक रहना। लेकिन प्रभु देखो अपने वचन में क्या कहता है, यशाया 1:5-7, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो, तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं, वह परदेसियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़ है। और उसी 1:15 में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा,
तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। देखिए, हाथ धोने से मैल दूर हो सकता है, कोरोना वायरस दूर हो सकता है, लेकिन यिर्मयाह 2 अध्याय में प्रभु कहता है, चाहे तू कैसा भी साबुन उपयोग कर ले, लेकिन तेरा पाप का धब्बा उससे मेरी आंखों की दृष्टि में दूर नहीं होगा। पानी और साबुन से पाप दूर नहीं होगा, केवल यीशु का लहू है जो पापों को दूर कर सकता है, जो वस्त्रों को श्वेत बना सकता है। देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल स्टैंडर्ड्स, हाइजीन और सारी ऐसी सेहत से लगी हुई बातें बताती है, और ज़्यादातर दुनिया के कंट्रीज देश मानते हैं, वो ये बताता है कि हर साल दुनिया में 40 to 50 million, अगर हम एवरेज ले 45 million, यानी 4.5 करोड़ एबॉर्शंस होते हैं, गर्भपात होते हैं, यानी राउंडेड फिगर अंदाजे से हर दिन 1,25,000 गर्भपात होते हैं, एबॉर्शन होते हैं पूरी दुनिया में। आप समझ रहे हो, हम कोरोना वायरस को इतनी गालियां देते हैं कि लोग मर रहे हैं, 200, 300, 400, 10,000, है ना, अभी 10,000 नहीं मरे, लेकिन मनुष्य छोटे बच्चे जो मां के पेट में हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सांस ले रहे हैं, जिनकी धड़कन चल रही है, ये दुनिया हर रोज 1.25 लाख ऐसे बच्चों को मार देती है। और उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सफाई करा दी। वो सफाई नहीं करा दी, वो एक पाप का धब्बा उस व्यक्ति, उस परिवार पे लग गया, श्राप आ गया। और लोगों को पछताप नहीं है, है ना। हमारे देश में इतना खुलेआम से नहीं बोला जाता, लेकिन पश्चिमी देशों में बेशरम होकर लोग गर्भपात के अधिकार के लिए लड़ते हैं, औरतें लड़ती हैं, है ना। वो कहता है, तुम हमारे व्यक्तिगत मामलों में मत घुसो। ठीक है, नहीं घुसते, लेकिन प्रभु तो देख रहा है ना, और इसलिए इस दुनिया के हाथ खून से रंगे हैं। और आपको क्या लगता है, लोग पछताप करेंगे? ये तो सिर्फ दुखों की शुरुआत है। देखो वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 16:9-11, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की, जिसने इन विपत्तियों, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, परमेश्वर की निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए पश्चाताप नहीं किया, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, और अपने कामों से मन ना फिराया। जब प्रभु ने, या प्रभु जब भेजेगा उन पर ये कठिनाइयां, पीड़ाएं और फोड़े, तो पश्चाताप नहीं करेंगे, रादर वो परमेश्वर को गाली देंगे, निंदा करेंगे। आज भी क्या लोग क्या करते हैं, वो चाइना को ब्लेम करते हैं, या चिमगादड़ को ब्लेम करते हैं, या बंदरों को ब्लेम करते हैं, या बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं जो संभला नहीं गया। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आओ हम मन फिराएं, आओ हम लौट कर परमेश्वर के पास चले, है ना। कह सकते हैं दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है ना? जाग जाओ।
लेकिन इन सारे बातों में मैं और आप जो प्रभु यीशु को जानते हैं, विश्वासी हैं, उद्धार पाया हुआ है, उसके दोबारा आगमन की आशा में जीते हैं, हम कैसा आउटलुक रखें, हम किस दृष्टिकोण से इन बातों को देखें। देखिए, प्रभु ने पहले से कह दिया था ये बातें आएगी, अब हम धीरे धीरे इन बातों को देखते हैं, है ना। दिन भयानक होंगे, दूसरा तिमोथियुस 3:1, है ना, टेरिबल टाइम शेल कम, ट्रबलस टाइम शेल कम। तो हमने जो प्रभु पे विश्वास किया है, इसलिए हमें बहुत बड़ी आशा है। बीमारी में हमारे पास आशा है, निराशा में हमारे पास आशा है, हार में हमारे पास आशा है कि जीत जाएंगे एक दिन, निराशा से उभर जाएंगे, बीमारी से चंगे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु जीवित है। कितनी सुंदर बात है, प्रभु जीवित है आपका। प्रभु यीशु ने कहा, बिकॉज आई लिव यू शैल ऑल्सो लिव, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। और हमारे पास परम प्रधान की का अश्योरेंस है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसका आश्वासन है। संसार के लोगों की तरह आपको होपलेस होकर जीने की जरूरत नहीं है, निराशा की हालत में जीने की जरूरत नहीं है। भजन 91 बहुत फेमस है और इस समय में हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चट्टान है जिसके ऊपर हम आसरा रख सकते हैं। पहली आयत, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रभु हमारी रक्षा करेगा, हमारी आशा प्रभु पर है, हमारा विश्वास उसके अटल वचनों पे है। भजन 26 में कहता है, दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलन वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। देखो, दाऊद कहता है, प्रभु तू मेरा न्याय कर। न्याय मतलब ऐसा शायद कोई इल्जाम दाऊद पर लगा रहे थे जो इसकी इस भजन का जो बैकग्राउंड है। तो वो कहता है, प्रभु तू मेरा न्याय कर, है ना, मैं खराई से चला हूं, ठीक है। और फिर वो कहता है, हे यहोवा मुझको जांच, मुझको परख, और तीसरा मेरे मन और हृदय को परख। मैं सोचता हूं कि जब ऐसी समस्याएं दुनिया पर आ रही है तो मुझे और आपको अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, है ना। जैसे वो भजन 139 में कहता है कि लॉर्ड सर्च मी एंड ट्राई मी, प्रभु मुझे जांच और परख, और देख के कोई दुष्चाल मुझ में नहीं, मुझ में है या नहीं,
है ना, और मुझे अनंत काल के मार्ग में आगे ले चल, लीड मी इन द वे एवर लास्टिंग। लेकिन 6 आयत में वो कहता है मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, है ना, ये आत्मिक बात है। कहता मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, है ना। आम पानी से हमारे हाथ हाइजेनिकली धुलते हैं, लेकिन ये निर्दोषता का जल है, ना? ये एक अपने आप को जांचने से, पश्चाताप करने से, वचन के आईने में देखने से, पाप को मान लेने से मैं निर्दोषता के जल से धुल जाता हूं। वचन 24 में लिखा है कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। वे जिसके हाथ शुद्ध है और जिसका मन पवित्र है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। इंग्लिश में लिखा है ही दैट हैज क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट, वो व्यक्ति जिसके हाथ शुद्ध है और मन पवित्र है वो यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा। जो मंदिर था वो एक ऊंचे स्थान पर था, तो यात्री लोग जब आते थे तो वो ऊपर की तरफ देखते थे, और ये गीत था कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा, वे जिसके हाथ शुद्ध है और मन पवित्र है। धन्य है वो लोग जिनके मन पवित्र है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। देखो शुद्ध हाथ पवित्रता और शुद्धता के बारे में बताता है। आपको मालूम है पतरस की घटना, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोने लगे और पतरस के पास जब प्रभु पहुंचा तो पतरस ने कहा प्रभु नहीं नहीं तू मेरे पैर नहीं धो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है कि तू मेरे पैर धोए। तो प्रभु ने कहा अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा साझा नहीं है। पतरस फिर क्या कहता है मालूम है, पतरस कहता प्रभु फिर तो मेरे पैर ही नहीं परंतु मेरा सिर भी धो दे और मेरे हाथ भी धो दे, मेरा सिर मेरा मन मेरा मस्तिष्क अशुद्ध है मेरे विचारों के कारण, मेरे हाथ अशुद्ध है प्रभु तू मुझे धो दे। पतरस माफ करना, जो याजक थे वो जब पवित्र स्थान तंबू के पवित्र स्थान में जाते थे तो उस पवित्र स्थान के द्वार से पहले पीतल की हौदी होती थी जिसमें पानी होता था, उसमें अपने हाथ और पैर धोकर फिर प्रवेश करते थे। निर्गमन 30 अध्याय 18 से धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए भेंट अर्पण करने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, नहीं तो मर जाएंगे। विश्वासी होके अपवित्र हाथ रखना, अशुद्ध जीवन रखना, ये खतरे से खाली नहीं है। क्यों? प्रभु की ताड़ना भारी है। वो पिता जैसे अपने बेटे से प्यार करता है वैसे प्रभु हमसे प्यार करता है, है ना? और इसलिए अगर उसकी ताड़ना आई तो वो ग्रीवियस होगी, दुखदाई होगी। तो इसलिए मेरे और आपके भले और फायदे के लिए है, आशीष के लिए है कि हम एक पवित्र जीवन बिताएं। और कोई संबंध नहीं है हमारा, हमारा संबंध अगर प्रभु से है तो पवित्रता की भूमि पे है। ये सच बात है, पुत्र पे विश्वास करने से हम परमेश्वर की संतान बने हैं। लेकिन उस संबंध को बनाए रखने के लिए, उस संगति को, माफ करना, उस संगति को बनाए रखने के लिए पवित्रता एक निश्चित शर्त है। लेव व्यवस्था 11:45 मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। लेकिन आपको एक मजे की बात यह है, मजे की बात मतलब जो बाहरी रूप से एक
धर्म का या धार्मिकता का भेष धरते हैं। वो एक तौर से कह सकते हैं जिन्होंने व्यर्थ में अपने हाथ धोए, उनका कभी वो अनंत जीवन में स्वर्ग में नहीं पाए जाएंगे। ये दुख की बात है ना? यहां पर चाहे वो लोगों को धोखा दे दे, लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। मत्ती 27 अध्याय में उदाहरण है 24 आयत में, जब पिलातो उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। पिलातुस ने भी हाथ धोए, लेकिन वो सिर्फ उसके हाथ का मैल दूर हुआ, उसके मन का दिल का मैल दूर नहीं हुआ। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप पिलातुस की तरह हाथ ना धोए, परंतु वास्तविक रूप से उस सोते में अपने आप को धोए, उस कलवरी के सोते में, उस प्रभु यीशु के लहू में जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि पिलातुस आज भी नरक में अपने हाथ धोता रहता है, या वो चिन्ह करता रहता है हाथ धोने का, लेकिन उसके हाथ कभी साफ नहीं हुए, है ना? उसने विश्वास नहीं किया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, जो पापों की क्षमा दे सकता है, वो पिलातुस के साथ होंगे, है ना? क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक का दंड है। इसलिए यदि एक व्यक्ति पाप में मरेगा तो नरक जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु पापों की क्षमा देने आया, अनंत जीवन देने आया। वो कहता है तुम्हें नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा कि लेव व्यवस्था में जब हारून और उसके बेटे याजक की सेवा के लिए तैयार किए जाते हैं, तो जो बलिदान का लहू होता था वो याजक के दाहिने कान पर लगाया जाता था, दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाया जाता था और दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाया जाता था, है ना? यानी मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा पूरा शरीर प्रभु के लिए पवित्र और समर्पित, और केवल लहू उनको क्वालिफाई करता था, उनको योग्य बनाता था। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें, इन मुश्किल समयों में उसकी सेवा करते रहें पवित्रता के साथ, जब तक हमारा प्रभु बादलों में हमें नहीं दिखता, है ना? पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15:58 में, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको मजबूत बनाए और इन आखिरी और बुरे समयों में आपको बल पर बल देता जाए। प्रभु आपको आशीष दे।